श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोगरा के प्लांट की के बारे में, जो कि आपको फरवरी में इसके ऊपर कुछ काम अवश्य कर लेने चाहिए। देखिए, मैंने इसकी प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग करने के बाद ये छोटी छोटी टहनियाँ इसमें सूख चुकी है। अब इसके बाद एक हमें अवश्य एक ज़रूरी काम हमें अवश्य करना है। देखिए हम ये क्या करेंगे इसमें, आप आगे देखिए। दूसरा प्लांट है, दूसरे प्लांट में मेरी छोटी छोटी रूट्स निकल चुकी है, तो हम इसको आगे के लिए तैयार करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा घने फूल दे सके और बहुत सुंदर इसमें फूल आए, बड़े बड़े साइज़ में आए। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें इसकी मिट्टी निकालनी है। सबसे पहले नीचे से इसकी रूट में से मिट्टी निकाल देनी है। देखिए दोनों प्लांट में निकाल देनी है इसकी रूट्स की साइड साइड चारों तरफ से। इसी प्रकार हमें ये कार्य दोनों पौधों में करना है। अब ये जो पुरानी मिट्टी है, इसको निकालने के बाद में इसको पोषण देने का कार्य करना है। पोषण देने का कार्य करेंगे इसमें, दोबारा से हम मिट्टी के अंदर खाद और कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली मिक्स करेंगे ताकि इन जड़ों को अच्छी प्रकार से पोषण मिल सके और मेरा पौधा घना बन सके और खूब भर भर के फूल दे। हम यही चाहते हैं कि हमारे मोगरा का पौधा जो है खूब महकता रहे, पूरी गर्मी में भर भर के फूल देता रहे। तो इसके लिए हमें ये कार्य अवश्य करना चाहिए। तक मिट्टी निकाल, जब तक इसके नीचे की रूट्स नज़र ना आने लग जाए। देखिए ये पूरी पूरी रूट्स नीचे नज़र आने लगी चारों तरफ से। और अभी हम इसका इसमें हम मिट्टी भरेंगे, खाद भरेंगे ताकि इसको पूरा पोषण मिल सके। मैंने मिट्टी तैयार की है, इसी मिट्टी में मैंने खाद डाली है, गोबर की खाद और नीम खली डाली है, कंपोस्ट डाला है। अब हम इसकी रूट फिलिंग इससे करेंगे, इसको भी हम तैयार करेंगे। ये मेरे पास दो पौधे हैं मोगरा के, इनको भी इसी प्रकार से तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों गमले मैंने 5x6 इंच खाली कर लिए है। अब इसमें जब मैंने मिट्टी तैयार की, फ्रेश मिट्टी जो तैयार की, इस मिट्टी को मैं इसमें भरूँगी। ये मिट्टी में मैंने गोबर की खाद डाली है, कंपोस्ट डाली है, और गोबर की खाद के साथ साथ मैंने जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, इन सबको मिला करके मैंने मिट्टी तैयार की है। और इसको पूर्ण पोषण देने के लिए हमें जितने फूल वाले पौधे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी होती है कि हमें गोबर की खाद उसको फरवरी में अवश्य देनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे फूल वाले पौधों के लिए। देखिए दोस्तों, मेरा ये पौधा तैयार हो चुका है और इसमें हमने पुरानी जो मिट्टी थी उसकी पोषक तत्व, तो जितने फूल लेने थे हमने पिछली गर्मी में ले चुके हैं। अब हमें ज़्यादा फूल लेने हैं भर भर के, तो हमें इसका ट्रीटमेंट अवश्य करना चाहिए, और जो कि मोगरा के पौधे के लिए ज़रूरी है। ये देखिए, अब इसमें मैं अंत में पानी डालकर छोड़ दूँगी। ऐसे ही हमें दूसरे पौधे में करना है, बिल्कुल सेम सिक्वेंस रहेगा हमारा। ये देखिए ताज़ी मिट्टी, मैंने इसमें हल्दी भी डाली थोड़ी सी, नीम खली के साथ साथ हल्दी भी डाली ताकि ये फंगस से बचा रहे। देखिए ये मैंने इसमें कटिंग भी ग्रो की हुई है। ये देखिए, ये कटिंग भी मेरी ग्रो होने जा रही है। ये वाली देखिए, एक कटिंग ये उगाई थी, दो इन्होंने इसमें लगाई हुई है, दोनों ही मेरी सक्सेसफुल ग्रो होने वाली है। इसका व्यू भी मैं आपको अवश्य दूंगी। देखिए हमने इसको मैग्नीशियम, फास्फोरस और सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में प्रदान किया, हमारे इसमें भर भर के फूल आएंगे। और इसका अगला व्यू मैं आपको अवश्य दूंगी। और इसका अंतिम जो कार्य हमें करना है, इसके अंदर पानी डाल के छोड़ देना है। अंतिम कार्य हमारा, इसके अंदर पानी डालकर छोड़ देना है। ये देखिए, और जो हमारी पुरानी मिट्टी निकली है उसको हमें क्या करना है, सोलराइज करना है। इसको धूप में रख देंगे ताकि इस पर धूप राइज करने के बाद ये मिट्टी हमारी पूरी तरह सूर्य की ऊर्जा ग्रहण कर लेगी और पूरी पोषकता प्रदान हो चुकी होगी इस मिट्टी को। फिर इसे हम अगले पौधे में किसी न किसी में तैयार ज़रूर यूज़ करेंगे। अंतिम जो कार्य है, हमें इसके अंदर पानी डाल देना है। ये देखिए, पानी डाल करके इसको छोड़ देना। दो दिन तक के समय इसमें पानी नहीं डालना, जब तक ये हमारा 2 इंच तक का अच्छी प्रकार से मिट्टी ना सूखे तब तक हमें इस पौधे में पानी नहीं डालना, तो वरना क्या होता है, हमारा पौधा ख़राब होने लग जाता है। और इसको मैं ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर खूब रोशनी आती है। देखिए यहाँ पर भरपूर मात्रा में रोशनी आती है, धूप आती है, और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करने लग जाएगा। दोस्तों ये कार्य आज मैंने 14 फरवरी को किया है। देखते हैं इसको पूर्ण रूप से ग्रो होने में कितना समय लगता है। उसका बाकी का व्यू मैं आपको जब दूंगी, जब पूरी तरह से मेरा पौधा खिल जाएगा और इस पर कलियाँ आने लग जाएगी।
और इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। यदि आप इसकी मिट्टी में पूरा पोषक तत्व इसको आप पौधे को प्रदान करोगे, जड़ों को पूरा पोषण मिलेगा तो ये भर भर के फूल देगा। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी यदि किसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।